हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं लंका प्रीमियर लीग के पहले मैच का, जो कि होने वाला है जाफना किंग और कोलंबो स्ट्राइकर के बीच में। तो दोनों टीमें किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है, अगर इनका लास्ट एडिशन के मैचेस देखोगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट एडिशन में दोनों टीमें काफ़ी बेहतर जो है परफॉर्मेंस दी थी। तो इस एडिशन में भी हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं। और इस एडिशन में से आप देखोगे तो वैसे भी जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा जो है वो अच्छे अच्छे ऐड हुए हैं दोनों स्क्वाड में। इस समय जो बाकी श्रीलंका की टीम है उनमें भी जो है ना वो ऐड हुए हैं, तो एक अच्छा परफॉर्मेंस जो आप देख सकते हो और एक अच्छा लीग का टोटल जो है बढ़िया से जो है परफॉर्मेंस भी आपको देखने को मिल सकता है। तो किस तरीके से रहेगा उसको हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो ये जो मैच होगा आपको संडे से शुरू होगा, यानी कि 30 जुलाई से। टाइमिंग जो होगा वो आपको 7:30 नेशनल टाइमिंग के हिसाब से देखने को मिलेगा, और वेन्यू जो होगा वो प्रेमदास स्टेडियम जो है आपको यहाँ पे कोलंबो में जो है वो देखने को मिलेगा। तो किस तरीके से ये मैच हो सकता है, कैसा पिच रिपोर्ट होगा, डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो चाहते कि विनर सेशन एंट्री में बहुत इसी से आप रुपये उठा सको, तो ये जो व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे जुड़ जाना है। साथ में आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो कॉल पर सर्च करके, और ड्रीम इलेवन के लिए आप स्क्वाडिंग इलेवन पर जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको टॉस के साथ साथ टीम भी जो है वो भी अपडेट हो जाएगा जैसे ही मैच जो है शुरू होगा उसके बाद से। तो ये जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये चीज़ आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हम पिच की बात करते हैं। तो कोलंबो की अगर हम लोग स्टेडियम की बात करते हैं तो ये जो है ना एक बैटिंग फ्रेंडली पिच जो है आपको देखने को मिलता है। लेकिन इस बैटिंग फ्रेंडली पिच पे आपको एक चीज़ का जो है हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि शुरुआत में आप देखोगे ना तो पिच जो है स्विमिंग कंडीशन ऑफर करता है, और स्विमिंग कंडीशन के कारण जो है यहाँ पे क्या होता है कि जो फास्ट बॉलर हैं शुरुआत में उनको बेनिफिट जो है वो अच्छा खासा मिलता जाता है। लेकिन जैसे जैसे पिच मैसेज जो है वो आगे बढ़ते जाता है तो उसके बाद से ये जो है ना बैटिंग के लिए जो है फेवरेबल बनते जाता है, और बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे एक स्कोर बन सकता है, एक अच्छा स्कोर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले एक ही कंडीशन होता है कि जो इनिशियल फेज होता है मैच का वो जो है बैट्समैन सर्वाइव कर जाए, और सर्वाइव कर जाता है तो एक अच्छा रन जो है वो आगे बना सकते हैं। इसके बाद देखोगे तो स्पिनर के लिए भी जो है काफ़ी फेवरेबल कंडीशन है, और जैसे जैसे पिचेज मैसेज आगे बढ़ते जाता है पिच टूटते जाता है तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक अच्छा बिग हिट कंडीशन भी जो है बनते जाता है, चाहे वो स्पिनर हो या फिर जो वेरिएशन वाले बॉलर हैं उनमें जो है बिग हिट मिलने के चांसेस बढ़ जाता है। डोमेस्टिक मैच में देखोगे टोटल 29 मैचेज हुए हैं, इनमें से फर्स्ट बैट जो है 14 जीता है, और सेकेंड बैट देखोगे तो 15 जीता है, और इसी ना फर्स्ट बैट एवरेज देखोगे तो 147 है जो कि एक अच्छा खासा एवरेज आप कह सकते हो, और हाईएस्ट देखोगे तो जाफना किंग का यहाँ पे 207 रन है, और लोएस्ट देखोगे तो डम्बुला का जो है वो आपको 69 रन जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का जो है पिच है जो कि पिचिंग कंडीशन जो है आपको ध्यान रखना है, अगर आप चाहे वो ड्रीम इलेवन के लिए खेल रहे हो, चाहे आप टॉस खेल रहे हो, चाहे पिच का सेशन खेल रहे हो, सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर ध्यान रख के चलना है, जो कि एक अच्छा कंडीशन आपके लिए बनते हुए नजर आ सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लेइंग इलेवन का जाफना का, तो जाफना का प्लेइंग इलेवन जो है आप ये जो 12 प्लेयर्स हैं इनमें से जो है देख सकते हो, तो इनमें से जो है अब जैसे डेविड मिलर का जो है और एबिलिटी और क्रिसलिन का एबिलिटी जो है ये चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये अवेलेबल है कि नहीं है। सेम कंडीशन जो है आपको यहाँ पे स्वयं मलिक का है, इसके अलावा तिसारा फेरेरा का भी जो आपको देखना पड़ेगा कि ये कंडीशन जो है अवेलेबल रहता है कि नहीं, क्योंकि ये जब ये जिम्बाब्वे वाला मैच समाप्त होगा और इसके अलावा जो है आपको ML जो ग्लोबल वाला मैसेज है और जो MLC वाला मैसेज है USA वाला, तो उनमें से सारे प्लेयर्स जो है बटे हुए हैं, और जैसे वो मैच समाप्त होगा आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो है प्लेइंग इलेवन है। अब इनके कुछ रिकॉर्ड्स जो हमने देख लेते हैं, जो कि आप अगर इनको लेकर चलते हो तो इन फ्यूचर किस तरह का जिनका परफॉर्मेंस रहा है वो भी जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर हम क्रिसलिन की बात करते हैं, क्रिसलिन का देखोगे तो लास्ट दो मैचों में देखोगे तो ये परफॉर्मेंस रहा है 0-9। उससे पहले एक मैच में 64 आया था 12 रन, उसके बाद पाँचवा मैच में देखोगे तो यहाँ पे जो आया था, यानी कि 3-4 मैचों के बाद गैप हो चुका है। तो अब जो मैसेज होगा क्रिसलिन के लिए उसमें आप रन देख सकते हो। अगर डेविड मिलर की बात करें इनका परफॉर्मेंस देखोगे तो IPL की बात है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये जो है आपका इनका परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो एसलिंका गुरनारत्न है इनका परफॉर्मेंस देखोगे तो 25 है, 19 है, 13 है, बाकी दो में जो है बैटिंग नहीं आया। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं चली श्रीलंका का, इनका परफॉर्मेंस जो आप देख सकते हो कि जब भी इनको मौका मिलता है एक अच्छा परफॉर्मेंस जो देते हुए नजर आ जाते हैं, तो उस सीनरी में जो आप देख सकते हो कि इनके जो है परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। स्वयं मलिक का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 5 मैचों में सिर्फ एक में जो है वो 37 रन आया है, बाकी जो 4 मैचेज आप देखोगे तो कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। तीसरा फेरेरा का भी जब देखोगे तो पिछले 5 मैचों में देखो तो सिर्फ 24 रन है, तो कोई बहुत बड़ा परफॉर्मेंस आप नहीं कहोगे। इसके अलावा जो है निशान मधुशंका भी देखा जाए तो इनका परफॉर्मेंस जो है रिसेंट 5 मैचों में सिर्फ एक मैचेज जो है हुए जहाँ पर इनका परफॉर्मेंस देखने को मिला था। इसलिए हम बॉलर की बात करें तो बॉलर में देखो तो अविस्ता फर्नांडो को देखो तो इनके जो विकेट है आप देखोगे हर मैच में ऑन एवरेज 1-2 विकेट जो इनको मिल जाता है। इसके अलावा दिलशान मधुशंका है इनका भी देखोगे तो विकेट का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। और इसके अलावा महेश थिक्सना का देखोगे तो इनका परफॉर्मेंस जो है आपको काफ़ी बढ़िया जो है रिसेंट 5 मैचों में देखने को मिलेगा। और ये जो रिसेंट 5 मैचेज था ये क्वालिफायर का जो है वो मैसेज था, तो जहाँ पे बहुत सारे मीम भी चल रहे थे, आपने मीम जो है वो देखा होगा कि चीटिंग है, ये तो छोटे छोटे प्यादे को मार रहा है, तो मीम जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था उसमें महेश थिक्सना का। और इस मीम का मतलब ये था कि विकेट देखोगे ना तो इनके रिसेंट 5 मैचों में देखो तो 3-3 4-4 विकेट जो इनको हर मैच में मिल रहा था।
इसलिए नॉन थोसारा को देखोगे तो इनका विकेट का कंडीशन जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और हरदोस विजन को देखोगे तो आपको कुछ ऐसा कंडीशन जो है देखने को मिलेगा विकेट का। तो ये सीनरी जो है आपको है जो रिसेंट पांच मैचों का डाटा है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो अपने टीम को परफेक्ट बनाने के लिए, और एक अच्छा कंडीशन जो है आप यहाँ पर इन्जॉय कर सकते हो, और ऐसे कंडीशन जो है आपको पूरे एल पी एल में मिलेगा कि इनके डाटा को जो है मिलते रहेगा, जिससे आप एक अच्छा सा टीम जो है बना सकते हो। और आप ये वीडियो पॉज करके भेजिए, सारी चीज़ें देख सकते हो। इसके अलावा बात कर लेते हैं कोलंबो का, तो कोलंबो के जो है इस बार का कैप्टन जो है बाबर आजम को रखा गया, और इस बार पाकिस्तान का देखोगे तो टोटल जो प्लेइंग इलेवन है पाकिस्तान का वो ऑलमोस्ट जो है आपको एल पी एल में खेलते हुए नजर आएगा, और इसके बहुत सारे रीज़न भी हैं वो बाद में हमने डिस्कस पहले भी किया है और आपको पता भी होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं देखोगे तो आपको जो है इसमें से जो कुछ प्लेयर जैसे इतफार अहमद, इसके अलावा जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है आपको नसीम था तो या बाकी वहाँ भी है, तो इसमें से जो है कुछ प्लेयर्स हैं जो कि एक दो मैचों को बाद हो सकता है अराइव हो, लेकिन बाकी सारे प्लेयर जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर हम लोग इनके डाटा की बात करते हैं कि किस तरीके से इनका परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ मैचों में, तो बाबर आजम देखे तो पिछले कुछ मैचों में जो इनका पाँचवा चौथा मैच पे तो उसमें 64 और जो है यहाँ पे 42 जो है मैसेज रन आया था। उसके बाद देखोगे रिसेंट के तीन मैचों में कोई परफॉर्मेंस अच्छा खासा नहीं आया है, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आने वाले मैचेज में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए। इसके अलावा बर्तन निशंका की बात करते हैं तो ओडीआई का जो परफॉर्मेंस था इनका रिसेंट मैचों पर वो काफ़ी जो है कमाल रहा है। तो ओडीआई में देखोगे तो रिसेंट के जो पांच ओडीआई है उसमें दो सेंचुरी है, एक हाफ सेंचुरी है, और टी20 में किस तरह परफॉर्म करेंगे उनको जो है देखना पड़ेगा। इतफार अहमद की बात करते हैं रिसेंट के तीन मैचों में आप देखोगे एक में 40 है, एक में जो है 36 और एक में 0 है। इसके अलावा में बात करते हैं यहाँ पे धनंजय लखन की, धनंजय लखन का देखोगे तो रिसेंट पाँच मैचों में इनका परफॉर्मेंस जो है ठीक ठाक रहा है। और एंजेलो फेरेरा की बात करते हैं तो रिसेंट के पाँच मैचों में देखोगे तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, 53 दो हाफ सेंचुरी है, तो आप कह सकते हैं कि एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर देखने को मिला। नीरसन डिकवाला की बात करते हैं तो रिसेंट के पाँच मैचों में जो पहले चार मैचेस थे उनमें कोई अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन अभी के जो मैचेस था उसमें 37 रन। और रमेश मेंडिस की बात करते हैं इनका परफॉर्मेंस कोई अच्छा नहीं देखने को मिला है रिसेंट पाँच मैचों में। बॉलिंग की हम लोग बात करें तो बॉलिंग में देखोगे चमिका को रत्ने का, तो देखोगे रिसेंट के जो पाँच मैचेज हैं उनमें ऑलमोस्ट अच्छा परफॉर्मेंस जो है रिसेंट के चार मैचों में दिया हुआ है। इसलिए नसीम शाह की बात करते हैं रिसेंट के जो तीन मैचेज है उन तीनों मिलाकर जो है चार विकेट है। और यहीं हम बात करते हैं पथिराना का, तो रिसेंट के जो इनके पाँच मैचेज आप देखोगे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो रहा है। इसी अलावा लखन की बात करें लखन का देखोगे तो सिर्फ दो विकेट है रिसेंट पाँच मैचों में, और वहाँ भी ऐसा देखोगे तो वहाँ भी ऐसा भी जो है रिसेंट पाँच मैचों में 6 विकेट है, तो एक अच्छा परफॉर्मेंस आप यहाँ पे काउंट करके जा सकते हो। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि इसके आधार पर अगर हम लोग टीम देखते हैं कि टीम जो है किस तरीके से बन सकता है, तो यहाँ पे जो हमने गुरबाज को जो है विकेट कीपर रखा है, हालांकि उधर हमने इंक्लूड नहीं किया था, इसलिए जो है मिलर को रखा है, इसलिए बाबर आजम को रखा है, इतकार को रखा है, फेरा को रखा है। आप चाहो तो यहाँ पे मिलर को जो है अभी ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन रिस्की प्लेयर जो है एक का दुका जो होता है वो जो मैंने यहाँ पर पिक किया आप ड्रॉप भी कर सकते हो। इसलिए जो करुणारत्न है इनको रखा है, और जो करुणारत्न है इनको जो है यहाँ पर ऑलराउंडर में पिक कर रखा है। और बॉलिंग की बात करते हैं तो नसीम को, थिकसाना को, पथिराना को और एक जो है मधुशंका को जो है यहाँ पर ले रखा, तो ये जो हमारा टीम है इस टीम के साथ जो है ये ऑलमोस्ट जो है मैंने जो टीम बनाई ये आपको जो है वो जीएल के लिए टीम है, तो आप जीएल जो है इस टीम के साथ यूज़ कर सकते हो, जा सकते हो और एक अच्छा परफॉर्मेंस जो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करते हैं तो अभी तक जो है मुझसे नहीं जुड़े और चाहते हो कि इस पूरे लीग में बहुत अच्छे से आप जो है विनर सेशन एंट्री में पी उठा सको, तो ये जो व्हाट्सअप का नंबर है यहाँ पे आपको जुड़ जाना है, साथ में टेलीग्राम पर जैसे कॉल भी डिस्कस करके और ड्रीम लीग लैब और स्क्वाडिंग लैब जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको इस रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो होप से वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन क्लिक कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा।